हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आपका स्वागत है अंकितास किचन में। आज मैं आपके लिए मूंग पकौड़े यानी मुंगौड़ी की रेसिपी लेके आई हूँ। बाजार में तो हमने मुंगौड़ी कई बार खाई है, लेकिन घर में परफेक्ट टेक्सचर वाली मुंगौड़ी कैसे बना सकते हैं, जो कि बाहर से एकदम क्रिस्पी हो, अंदर से थोड़ा सॉफ्ट हो, वैसे वाली मुंगौड़ी की रेसिपी आज मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ। कुछ छोटी छोटी बातों का हम अगर ध्यान रखेंगे तो एकदम बाजार वाली मुंगौड़ी हम घर पे बना सकेंगे। तो चलिए इसे बनाना शुरू करते हैं, और अगर वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। चलिए वीडियो शुरू करें। यहाँ पे मैंने 1 कप के जितना छिलके वाली मूंग की दाल का इस्तेमाल किया है। इसे मैंने 3 घंटे तक सोक किया था। जब ये अच्छे तरीके से फूल गया, इसके बाद मैंने एक स्ट्रेनर पे इसे निकाल लिया है ताकि इसका सारा पानी निकल जाए। पहली टिप यहाँ पे आपको ध्यान रखनी है कि इसमें बिल्कुल भी पानी नहीं होना चाहिए। जब दाल अच्छी तरीके से सोख हो जाए ना, उसके बाद आप इसे किसी भी छन्नी पे इस तरीके से रख दीजिए। अगर पानी होगा तो हमारे जो पकौड़े बनेंगे वो बिल्कुल भी क्रिस्पी नहीं बनेंगे। अब यहाँ पे 4 से 5 चम्मच के जितना आप दाल निकाल लीजिए सेपरेट, ताकि जब हम बैटर में मिक्स करेंगे तो पकौड़े बेहद ही क्रिस्पी बनेंगे। और यहाँ पे एक और बात, आप चाहे तो बिना छिलके वाले मूंग की दाल को भी मिक्स करके बना सकते हैं। जो इसके छिलके हैं ना, उससे जो पकौड़े, जो मुंगौड़ी बनेगी वो बेहद ही क्रिस्पी बनेगी। तो छिलकों को सेपरेट बिल्कुल मत करिएगा। अब हमें क्या करना है कि एक मिक्सी का जार ले लेंगे और इसमें हम सारे जो दाल है उसको डालेंगे, और बिना पानी डाले इसे हमें पीसना है। इसके पहले यहाँ पे हम डाल देंगे थोड़ा सा अदरक। यहाँ पे मैंने 1 इंच जितना अदरक लिया था, बारीक कट कर लिया है, ताकि अदरक भी आसानी से इसमें पीस जाए। और यहाँ पे पानी का इस्तेमाल हमें बिल्कुल भी नहीं करना है। और ये काफ़ी स्मूथ सा इसके तैयार हुआ है, बिल्कुल भी हमने पानी का इस्तेमाल नहीं किया है। इसे एक साइड रखेंगे और बनाएंगे एक स्पेशल सा मसाला, ताकि पकौड़े हमारे और टेस्टी बन सके। तो पैन में डालेंगे 1.5 छोटे चम्मच के जितना साबुत धनिया, 1/2 चम्मच के जितना जीरा, और 5 से 7 हम डाल देंगे यहाँ पे काले मिर्च के दाने। और इसे हमें लो टू मीडियम फ्लेम पे हल्का सा रोस्ट कर देना है। आप चाहे तो यहाँ पे थोड़ा सा सौंफ का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इससे क्या होगा कि इसका टेस्ट बहुत बढ़िया आएगा। अब फ्लेम को यहाँ पे ऑफ कर देना है, और इसके बाद 1/4 चम्मच के जितना डालेंगे हम इसमें हींग, और यहाँ पे डाल देंगे हम थोड़ा सा आमचूर का पाउडर 1 चम्मच के जितना। इन सबको हम अच्छे से मिलाएंगे। पैन गर्म है इसलिए हींग और आमचूर भी अच्छे से गर्म हो जाएगा। ठंडा होने के बाद उन मसालों को हमें अच्छे से दरदरा कर लेना है। और इस दाल के मिक्स को हमने यहाँ पे निकाला है बड़े बर्तन में। साइड में जो खड़ी दाल रखी थी वो डालेंगे। डाल देंगे इसमें 2 से 3 हरी मिर्च बारीक कटी हुई, 1 मीडियम साइज का प्याज ले लेंगे, उसे भी बारीक कट करके डाल देंगे। साथ ही हम डालेंगे इसमें ढेर सारा धनिया पत्ता, जिससे कि इस मुंगौड़ी में बहुत ही अच्छा सा टेस्ट आएगा। साथ ही हम यहाँ पे डाल देंगे थोड़ी सी करी लीव्स यानी करी पत्ता, अगर आपके पास हो तो जरूर डालिएगा। 1/4 चम्मच के इतना डालेंगे हल्दी पाउडर, 1/4 चम्मच लाल मिर्च पाउडर। साथ ही डाल देंगे वो जो मसाला हमने दरदरा करके रखा था, 2 से 2.5 चम्मच इतना हम यहाँ पे डाल देंगे। और यहाँ पे हमें इन सारी चीज़ों को हल्के हाथों से मिलाना है। ज़्यादा हम दबाव देके मिलाएंगे ना तो इसमें से पानी रिलीज होने लगेगा। और हमने नमक का इस्तेमाल अभी नहीं किया है। पहले इन सारी चीज़ों को अच्छे से मिला लीजिए, और साइड में तेल गर्म होने के लिए रख दीजिए मीडियम फ्लेम पे। यहाँ पे आप देख रहे होंगे जो टेक्सचर है वो एकदम भी लिक्विडी नहीं है, पानी पानी सा नहीं है। तो यहाँ पे हमने अच्छे से मिलाया है, और अब हम इसका शेप बना के देखते हैं। इस तरीके से राउंड शेप अगर बनाएंगे तो देखिए प्रॉपरली बन पा रहा है। तो इसका ये मतलब है जो ये हमारा बैटर है ना, वो एकदम बढ़िया है, इसमें बिल्कुल भी पानी नहीं है, और ये बहुत ही क्रिस्पी और कुरकुरा बनेगा। अब हमें क्या करना है कि तेल साइड में गर्म हो रहा है, यहाँ पे अब हम मिला लेंगे इसमें नमक। तो नमक 1 छोटा चम्मच जितना मिला रही हूँ, आप अपने स्वादानुसार इसमें नमक मिलाइए, और हल्के हाथों से इसे मिक्स करना है। बहुत ज़्यादा हमें दबाव दे के नहीं मिक्स करना। तो यहाँ पे ये सारी चीज़ें अच्छे से हमने मिक्स कर ली। अब चलते हैं हम इसे फटाफट से मुंगौड़ी बनाने के लिए। तो सबसे पहले चेक करेंगे तेल। तेल यहाँ पे मीडियम फ्लेम पे अच्छी तरीके से गर्म होना चाहिए। कम गर्म तेल में पकोड़े या फिर कुछ भी चीज़ हम फ्राई नहीं करते हैं, जिसे हमें क्रिस्पी बनाना होता है। तो यहाँ पे अब हम इस तरीके से इसे गोल गोल बना लेंगे, जैसे बाजार में मुंगौड़ी मिलती है एकदम वैसे से शेप का, और इसे 2 से 3 मिनट के लिए ऐसे ही सेकने देंगे। जब ये एक साइड से अच्छी तरीके से सिक जाएगा, तो यहाँ पे पलट पलट के हमें इसे फ्राई कर लेना है। आज मैं इन मुंगौड़ियों को डबल फ्राई कर रही हूँ, मतलब 2 बार हम इसे फ्राई करेंगे। इससे क्या होगा कि मुंगौड़ी जो है वो अंदर से अच्छे से पकेगी और बाहर से बेहद ही क्रिस्पी होगी। तो ये देखिए कुछ ऐसा सा कलर आ गया है। ऊपरी लेयर थोड़ा सा क्रिस्प है, लेकिन अंदर तक ये पूरा पका भी नहीं है, और बाहर से जैसा क्रिस्प चाहिए वैसा अभी नहीं है। तो ऐसे से ही हम इन्हें निकाल लेंगे, और जितने बाकी बचे हुए बैचेस है एक बार में हम इसे फ्राई कर लेंगे। एक बैच फ्राई करने में कम से कम 3 से 4 मिनट का टाइम आपको लग जाएगा मीडियम फ्लेम पर। तो यहाँ पे हमने इसे निकाल लिया, और बचे हुए बैच को हम फ्राई करेंगे। तो ये देखिए कलर तो अच्छा आया है, लेकिन ये अच्छे से अभी अंदर तक पका नहीं है।
तो चलिए यहाँ पे दूसरे बैच को भी फ्राई कर लेते हैं। लेकिन अगर आप डबल फ्राई नहीं करना चाहते हैं तो 5 से 7 मिनट के लिए इसे गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई करिए। वैसे डबल फ्राई करने से ये बहुत ही क्रिस्पी बनता है। तो सारे बैचेस को हमने फ्राई कर लिया। अब यहाँ पे फ्लेम को कर देंगे मीडियम टू हाई और यहाँ पे पकौड़ों को डाल के हम अच्छी तरीके से इसे फ्राई करेंगे। यहाँ पे ध्यान देना है कि तेल बढ़िया गर्म होना चाहिए क्योंकि हम ज़्यादा देर फ्राई नहीं करने वाले हैं। तो जब ये गोल्डन ब्राउन कलर का हो जाएगा, थोड़ा डार्क हो जाएगा, देखिए कलर जब कुछ ऐसा सा हो जाएगा, तो पकौड़े अंदर से भी पक गए और बाहर से भी बहुत क्रिस्पी है। बस इससे ज़्यादा हम इसे नहीं पकाएंगे। अब हम इसे निकाल लेंगे बड़े से स्ट्रेनर में ताकि जो भी एक्स्ट्रा तेल होगा वो कढ़ाई में चला जाएगा। और यहाँ पे सेम प्रोसेस में बाकी के मंगोड़ी को भी हम फ्राई कर लेंगे। देखिए यहाँ पे कलर कितना बढ़िया आया है, एकदम गोल्डन ब्राउन है और अंदर से ये बेहद ही सॉफ्ट है। तो चटपटी करारे क्रिस्पी हमारी ये मुंगवाड़ी बनके तैयार हो गई है। आप इसे हरी चटनी के साथ सर्व करिए। बनाते वक्त किन बातों का ध्यान रखना है, दाल में बिल्कुल भी पानी नहीं होना चाहिए और फ्राई करने से कुछ देर पहले आपको इसमें नमक डालना है। और क्या करना है, तेल को अच्छी तरीके से गर्म करना है और जब आपको बहुत ही क्रिस्पी चाहिए पकौड़े तो डबल फ्राई कर दीजिए। आवाज़ तो सुन ही रहे होंगे। तो बनी है ना बेहद ही कुरकुरी सी मुंगोड़ी। उम्मीद करती हूँ आपको ये वीडियो बहुत पसंद आई होगी। तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए स्टे फिट स्टे हेल्दी। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़।